नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो पशु परिचारक एनिमल असिस्टेंट भर्ती 2023 के बारे में। इससे संबंधित 2023 में जितनी भी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस वैकेंसी से संबंधित यह नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय है इस वीडियो से संबंधित, जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की है कर्मचारी चयन के बोर्ड के द्वारा। अगर आपने कोई भी वैकेंसी से संबंधित अगर आप बात करें तो शैक्षणिक योग्यता या उस वैकेंसी संबंधित प्रमाण पत्र अगर आप धारित नहीं हो या गलत सूचना अंकित कर ऑनलाइन आवेदन भर दिए, ऐसे अभ्यर्थी को विरुद्ध कानून कार्रवाई की जा सकती है, जिससे संबंधित कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये आवेदन वापस रिजेक्ट करने के उपरांत में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे पहले अगर भर्ती की बात करें तो पशु परिचारक भर्ती सीधी भर्ती 2023, जिसकी पदों की बात करें तो 5634 है। अगर उसके ऑनलाइन आवेदन के अंदर आपको संशोधन करना है और उसके बाद में पर्यवेक्षक सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 के अंदर छात्र अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 के अंदर, इसके संबंधी छात्र अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 और लिपि ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ अनुदेशक शीघ्र लिपि, इस जितनी भी भर्ती है इस भर्तियों से संबंधित अगर आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है और आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो आप 26/4 से लेकर 2/5 26 अप्रैल से लेकर 2 मई 2024 तक रात्रि को 7 दिवसीय भीतर आप SSO ID के माध्यम से लॉग इन करके रजिस्टर, वहाँ से जो भी आपने गलत फॉर्म भरा है वो आप संशोधन कर सकते हो या उस फॉर्म को आप रिजेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको कानून कार्रवाई की जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद।